आयोजन जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल, शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। तो खबर भोपाल से, जहां पर पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान शामिल रहे और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। यहां पर ये खास करके स्थानीय निकाय कहेंगे कि पहले तो बरसात के समय रखते थे, अब पूरे साल भी रख सकते हैं कि कोई अपने जन्मदिन पर या कोई खास अवसर पर लगाना चाहे तो वृक्षों को मिले। और इसी प्रकार से जगह जगह अपने टीएनसी का नक्शा पास करता है तो हर जगह खास करके नगरी क्षेत्र में तो वृक्ष की बगीचे रहते ही है। तो इस तरह से योजना बनाएंगे, ये आपका सुंदर सुझाव है। मैं आज ही आपका विचार बिल्कुल नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि जो स्थानीय निकाय होंगे या ग्रामीण की ग्रामीण पंचायत होगी वो निश्चित जगह अपने पास रिजर्व करे, जहां पर जो भी अगर वृक्ष लगाना चाहे, पेड़ लगाना चाहे, पौधा लगाना चाहे तो निश्चित रूप से उसको जगह मिलना चाहिए। इसी बात में कोई संकट नहीं है। आपने दो और अच्छी बात कही, आपने कहा सोलर पैनल वास्तव में बात सही है, बिना बिजली के हमारे यहाँ ये आज का दौर तो इसी प्रकार का है, लेकिन बिजली के लिए अगर परमात्मा ने शुरू से गुंजाइश निकाली और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका अभियान लगाने की बात कही है तो सोलर सिटी आपने सांची को बनाया है। इसी अभियान को आगे चलाते हुए जहां जहां हो सकता है निश्चित रूप से सोलर पैनल के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। और आपने प्लास्टिक को उपयोग खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कही है, मैं उससे भी सहमत हूँ। सरकार के आधार पर समाज को भी जागृत करेगा और समाज आप अपनी सबकी आवाज सुन रहा है। निश्चित रूप से प्लास्टिक के खतरे हम सब पहचानते हैं, लेकिन आज तो मैं आपको पुनः पर्यावरण सम्मेलन में बहुत अच्छा आयोजन की लगातार इस संकल्प को आपने बनाते हुए चलाया है। परमात्मा का आप सहस्त्र आयु हो, हमेशा इसी अभियान से जुड़े रहे और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रेरणा देते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी ये जो प्रेरणा दी आपने खास करके पर्यावरण के प्रति, ये कोई ऐसी सामान्य बात नहीं हो सकती। ये विलक्षण व्यक्तित्व ही होते हैं जो इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। मैं आपके पूरे उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। परमात्मा करे आपके यश और बढ़ता जाए, जीवन की सब कुछ आकांक्षा आपने जो सब सुनी सब आपको दे और आपके माध्यम से हम सब भी गौरवान्वित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।